और आप सबको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति पर पैनी इस वक्त वो भी नज़र रखे हुए हैं और आप देख रहे होंगे लगातार जो ट्वीट पर लड़ाई चल रही है, नए नवेले डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह वहाँ ट्विटर पर। गिरिराज जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि आप कह रहे हैं तेजस्वी से ना हो पाएगा, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि लंबी चोटी रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, मसला बड़ा आगे निकल गया, बहन भी कूद पड़ी है अब मैदान में। देखिए, ऐसा है कि हमारी चोटी तो हमारी संस्कृति और तिलक मेरी पहचान है, इसे कोई मजाक ना उड़ाए। अगर किसी को हिम्मत हो तो किसी की दाढ़ी और टोपी पर मजाक उड़ा सकता है क्या, तेजस्वी बाबू हों या जो हों। और हमने जो कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और आज कह दिया कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। तो डिप्टी सीएम कह दें कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं या नहीं सुनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में अभी से जो है दूरी दिखने लगी है, भले ही तमाम तरीके के यहाँ पर जुड़ाव हो गए हों, मन नहीं जुड़े हैं। भाई, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैबिनेट एक जिम्मेदार होता है। अगर कोई किसी विभाग में कुछ होता है तो पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होता है। और मैं वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब। तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब, तो आप यही कहते ना कि नीतीश कुमार के जाल में मैं फंस गया हूं, अब जब बनूंगा तब 10 लाख की नौकरी दूंगा। लेकिन गिरिराज जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, बिहार में कोई सर्वे क्यों नहीं करवाया गया, बीजेपी के जितने सांसद मंत्री बने बिहार से उन्होंने क्या किया बिहार के लिए? बिहार के लिए जानेंगे? मैं जिस विभाग में हूँ, 9 करोड़ इनका मनरेगा में था, 24 करोड़ है, और 11,000 के बदले 24,000 करोड़ हमने दिया है, और 40 लाख मकान इनको दे चुका हूँ, सड़क दिया हूँ जो अभी तक ये टेंडर नहीं कर पाए हैं। हम भी उस सरकार के पार्ट थे, हम इसको कबूल करते हैं। इसलिए ये कोई पूछे ना, अर्ध ज्ञान लेकर के कोई बात ना करे। पहले पूरे डिपार्टमेंट 5 लाख करोड़ का नितिन गडकरी ने डंके की चोट पर नीतीश बाबू के सामने बिहार को सड़कें दी है। कौन सा ना ज्ञान हो, ना चलने आवे तो अंगन में टेर वाली कहावत बिहार में है। ये बुड़बक ना बनाए। ठीक है, आप एक खानदान में पैदा लिए हैं, आप जिसको जो मन हो गाली दे दें, जिसको मन हो जो कह दें, लेकिन भारत सरकार के आंकड़े पर सवाल उठाने के पहले भारत सरकार के आंकड़े को देख लें। गिरिराज जी, आप उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सवाल आपसे पूछ रही है कहकर के नीतीश बाबू धोखा देने की इतनी बड़ी प्लानिंग अगर रच रहे थे, ये कैसे हो गया कि आप लोगों को पता ही नहीं चला? 2 दिन पहले उनकी अमित शाह से बात हुई, मैं सुशील कुमार मोदी से जब बातचीत करी थी, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ये कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद वो आपका साथ छोड़ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है। ये मैं नहीं कह सकता कि पता नहीं था, पता 200% था कि ये जो, लेकिन मैंने वादा किया था बिहार की जनता से, देश के सामने, कि 2020 के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, और 43 सीट आया, 74 तो भी मैं क्यों आज कोई मुझे कल्टूराम पलटूराम नहीं कहेगा, कोई मुझे धोखेबाज नहीं कहेगा, कोई दगेबाज नहीं कहेगा, ये प्रश्न अगर पूछे। इसीलिए मैं जानते हुए भी अनजान पड़ा था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षा जब सर पे नाचता है किसी व्यक्ति को, अपनी महत्वाकांक्षा,
तो वो व्यक्ति फिर अपने सारे चीजों को खो देता है। नीतीश बाबू ने नीति, बड़ी बात कह रहे हैं, नियत, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का पहले से पता था कि वो इस तरीके से यू टर्न ले सकते हैं या वो आपको धोखा दे सकते हैं। पांच दिन से तो पूरे सब लोग जान रहा था, लेकिन वो नहीं कुछ बोल रहे थे तो मैं क्यों बोलता। और बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, वो कहते हैं मेरे सम्मान की रक्षा नहीं। जरा थोड़ा सा दया तो करें सम्मान पर। ये 43 विधानसभा के सीट उनको आए, 74 बीजेपी को आया, हमने वादा किया, हमने उस वादा पर निभाया। ये सम्मान नहीं है तो अपमान है क्या? 2000 में इनके 36 सीट थे, हमारे 63 सीट थे। हम 2000 जीवन में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था रूबिका जी, और आज भी अंतिम भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। हम किसी को धोखा नहीं देते, हम सम्मान की रक्षा करते, लेकिन हम ये कहां से करेंगे? हम प्रधानमंत्री कहां से बना देंगे? हमारे पास प्रधानमंत्री का न जगह खाली है, न देश में जगह खाली है, न पार्टी में है। मैं दूसरी बात आपको कहता हूं, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए, और नीतीश बाबू को सुनाइएगा। नीतीश बाबू 2000 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इन्होंने 2000 के बाद जब नहीं विश्वास मत हासिल कर पाए तो इन्होंने कहा था खुट्टा गाड़ के बिहार में रहेंगे। बाहर नीतीश बाबू बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाकर के सत्ता में शामिल हो गए और गुजरात गए, वहां नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनकी सरकार की तारीफ की। और 2010 में 8 साल बाद उनको लगा कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। ये नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं इनको दिखा, न इनको सांप्रदायिकता से कोई मतलब है। इनके मन में फुटपुड़ी, हमारे बिहार में एक दाल भरा हुआ पूरी बनता है उसको फुटपुड़ी कहते हैं, वो फुटपुड़ी फूलने लगा। ये मन में लोगों ने पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, रात दिन पीएम मटेरियल जो कहने लगा लोग, इन्हें नींद नहीं आने लगी। और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के डिनर को कैंसिल किया और 2013 में आकर के, क्योंकि 14 में लोकसभा का चुनाव होना था, देश पहली बार आजादी के बाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मान लिया कि देश के प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव हुआ 2014 में, इनसे रहा नहीं गया और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार के निकाल दिया। ये सब ने देखा है, धक्का मार के निकाल दिया। और 2014 में चुनाव लड़े, दो सीटों पर आके अटक गए, तो फिर कहां से प्रधानमंत्री के लिए कहीं चर्चा करते। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं, उनको बहुत सारे फोन आ रहे हैं। गिरिराज जी वो ये कह रहे हैं बहुत सारे फोन आ रहे हैं उनको। हाँ, फोन, और वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं मैं नहीं सोच रहा हूँ फोन, लेकिन अगर देश अगर उनको देखना चाहता है प्रधानमंत्री के तौर पर तो क्या बुरा है? हम काहे के लिए कहेंगे, लेकिन यो मंसूबा पूरा कर ले, अगर हिम्मत है नीतीश बाबू में, मैं उनके साथ मंत्री रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर हिम्मत है नीतीश बाबू तो अलग से चुनाव लड़ लीजिए। ये कभी चुनाव अकेले नहीं लड़े, 2014 में लड़े, दो सीटों पर आके रह गए। ये हमारे बिहार में एगो अमरलता होता है, जो गाछ पर दूसरे के गाछ पे चढ़ता है उसी का रस लेता है, अपने खड़ा नहीं होता। ये अमरलता है राजनीतिक जगत में, राजनीतिक क्षितिज में। इनमें हिम्मत है तो चुनाव लड़े अकेले। भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक हम तो लड़ते ही रहे, लालू जी के कुशासन के खिलाफ लड़ते रहे, इनको साथ लिया, बहुतों को साथ लिया, आगे भी लड़ेंगे। और लड़ करके फिर इनको बता देता हूँ कि इनकी मंसूबा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो गाना सुना है ना, वही होगा।
नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 2024 में ये चेहरा नहीं बन पाएंगे, हालांकि इस बात को लेकर तो अब विपक्ष में भी बहस चल रही है गिरिराज जी, कि राहुल होंगे, कि ममता होंगी, कि KCR होंगे, कि नीतीश बाबू होंगे, कि अखिलेश जी होंगे। देख रूबिका जी, आज कई चैनल ये लगा रहा है, असेसमेंट करा रहा है। कल मैं एक चैनल पर देख रहा था नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 53%, उसके पीछे कोई नहीं था। ये पहला प्रधानमंत्री है इधर 4 दशक में जो एंटी इनकम्बेंसी उनके पास नहीं है। यूपीए सरकार 6 साल से विवादों में घिर गया, 5वें साल में विवादों में घिर गया। तो ये नरेंद्र मोदी आज सोता है तो राष्ट्र के लिए, जगता है तो राष्ट्र के लिए। आज ईमानदारी से नीतीश बाबू भी कहेंगे कि दुनिया में भारतवंशियों का सीना ऊंचा हुआ है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी हाथ मिलाता है और धक्का देकर के नहीं करता है। आप यूपीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल चेहरे में जरा देख लें, ग्लैमर में देख लें। नरेंद्र मोदी आज विश्व में नेतृत्व कर रहा है, चाहे ग्लोबल लीडर के रूप में, चाहे वो एक तरह से पेरिस अकॉर्ड जब अमेरिका ने छोड़ दिया, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भाग गया जलवायु परिवर्तन पर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया के सामने आप ये कह रहे हैं गिरिराज जी, जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व किया। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा चेहरा, उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उधर तेजस्वी यादव जो है वो ये सोच के चल रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे हैं, जो मीडिया उन सर्वे कर रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ आए हैं तो कई ऐसे सर्वे भी आ सकते हैं जिसमें विपक्ष एकजुट दिखाई दे और विपक्ष वर्सेस मोदी वाला एक सिचुएशन वो क्रिएट हो जाए, तो कौन होगा चेहरा, आपको क्या लगता है? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज आपके सामने कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने अभी देश में किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं है, कोई नहीं है। आप कह रहे हैं टक्कर में कहां कोई है, हम नहीं कह रहे हैं, कई सर्वे के लोग कह रहे हैं, कहां 53%, कहीं 9%, कहीं 13%, कहीं 7%, इनका तो चर्चे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी ताकत आप पे आ जाती है वो हिंदू मुसलमान करने से आती है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं गिरिराज के पास जब कोई जवाब नहीं रहता है तो वो हिंदू मुसलमान पर चले जाते हैं, वो घृणा की राजनीति करने लगते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। घृणा की राजनीति गिरिराज नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी नहीं करता, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के विरोध आवाज उठाता हूं। अगर बिहार को लोग आतंकवाद का स्लीपर सेल बनाना चाहेगा, फुलवारी से लेके 14 जिलों में आतंकवादियों का अड्डे मिल रहे हैं, NIA उस पर काम कर रहा है, बिहार के 500 स्कूलों में भारत के कानून को धत्ता बुला करके और वहां सरिया कानून हो रहा है, शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है, क्या भारत के लोग कल कहें कि हम सोमवार को भोले बाबा की पूजा करेंगे, कोई कहे मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे? ये देश में एक देश एक कानून होगा कि नहीं होगा? तुष्टिकरण की राजनीति जब होगी तो क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं, पर गिरिराज जी जब ये काम हुआ और जब NIA की जांच चल रही थी और रेड चल रही थी तब तो आप ही सरकार में थे उनके, अब ये आरोप लग रहे हैं कि चूंकि आप सरकार में नहीं है तो आपको ये सब याद आने लगा है? नहीं, मुझे उस समय भी याद था, अगर मेरे बयान देखने होंगे तो देख लीजिएगा, मैं उस समय भी कहा था कि बिहार को हम आतंकवादी का स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे, बिहार में सरिया कानून से नहीं चलेगा रूबी जी, और ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि
मैं इस पर बोलने का मैं काम आज से नहीं बरसों से कर रहा हूं तुष्टिकरण के विरोध में, और मैं बोलता रहूंगा चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन तुष्टिकरण के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। गिरिराज जी, मुझे पता है कि आपको आगे के भी फंक्शंस अटेंड करने हैं, आपने वक्त निकाला उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है ये सरकार कितनी देर और चलने वाली है, कितने दिन और चलने वाली है? देखिए, जहाँ स्वार्थ बेस हो, नीतीश बाबू को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनना, हमारे पास सब जगह नहीं, और मान्यवर तेजस्वी बाबू को नेता बनना, सरकार में होना, ये दोनों जब तक चलता रहेगा 24 तक तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। भले लूटपाट की सरकार शुरू हो जाए, जनता उग्र हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन स्वार्थ की टकराहट जब तक नहीं होगी ये सरकार चलती रहेगी। आपको लग रहा है 2024 तक ये दोनों साथ आ जाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि अब नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मेरा सम्मान नहीं हो रहा था तो मुझे निकलना ही बहुत जरूरी था। कल को ऐसी स्थिति आती है कि उनको तेजस्वी यादव से भी सम्मान नहीं मिलता और वो दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं, तब मैं कहूंगा कि अच्छा बेहतर होगा कि अब कहीं नहीं जाने की जरूरत है। भारत में हिमालय एक बहुत अच्छा जगह है, हिमालय चलें। अब फिर बीजेपी में आने की जरूरत नहीं है, अन्य तेजस्वी के पास जाने की जरूरत है, हिमालय पर जाकर के वहीं पूजा तपस्या करें, हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन गिरिराज जी, अगर वो दोबारा बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो बीजेपी उनके साथ चुनाव अब भविष्य में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? मेरा अगर बस चलेगा तो मैं यही सलाह दूंगा कि नीतीश बाबू, आप अपने नीति नियत और नैतिकता को फ्रिज में ही रहने दें और निकालें, निकाल के चलें कहीं बैठें, और जो आपके हम उम्र हम लोग आप पीछे पीछे हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। ये देख रहे केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब जो जगह बना हुआ है, नहीं ये सवाल टालने वाली बात है। गिरिराज जी, मैं आप मुझे बताइए ना, भविष्य में आप नीतीश कुमार के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बीजेपी कभी मैं तो कह रहा हूं आएगी कि नहीं आएगी? मैं अगर इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब उनको एक तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, अगर आएगी तो किसी पार्टी के साथ मिलने के बजाय वो राजनीतिक संन्यास ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो गिरिराज सिंह ये कह रहे थे कि अब आने वाला जो पड़ाव है वो नीतीश बाबू के लिए संन्यास ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत से सवालों के जवाब दिए और कई सारे सवालों के जवाब डाल भी गए। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।